ज्यादा शराब का सेवन करने से युवक की मौत। ईदगाह में घर में मिला युवक का शव, 3 दिन पूर्व ही हुई मौत। किशनगंज थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दरगाह क्षेत्र में एक घर में एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को ज्ञात हुआ कि युवक की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है। दरअसल युवक, जिसका नाम सुलेमान है, वह अपने मनबुद्धि भाई के साथ घर में रहता था, लेकिन उसके भाई को पता नहीं चला कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। जब आज वो उसे उठाने के लिए गया तो उसके भाई के नाक से खून निकल रहा था, जिसके बाद हल्ला मचाते हुए इसने आस पड़ोस के लोगों को बताया। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवक आदतन शराबी था। शराब का सेवन करने से ही प्रथम दृष्टया उसकी मौत हुई है। सूचना यह भी मिली है कि घर में खाने का सामान नहीं होने पर युवक द्वारा सुसाइड किया गया, लेकिन पुलिस कप्तान का कहना है कि यह जांच का विषय है। लेकिन किशनगंज थाना अधिकारी ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि उसके घर में पर्याप्त मात्रा में खाने का सामान पड़ा हुआ था। ये ईदगाह कॉलोनी में आज सूचना मिली थी कि साहब किसी युवक की लाश उसके घर में पड़ी हुई है। इस पर रवाना होकर हम यहाँ आए थे, यहाँ आके मालूमात किया तो पता चला कि कोई सोलेमन होलकर नाम का लड़का है जो कनक नर्सिंग होम में काम करता था, जिसकी अभी 2-3 दिन पहले डेथ हो गई। चूँकि उसके साथ उसका केवल एक मंदबुद्धि भाई रहता था, जिसको उसकी डेथ का पता नहीं चला, न उसने किसी अड़ोस पड़ोस में बताया। आज जब उसने उसको बिठाने की कोशिश की तब उसके नाक से ब्लड आने पर उसने अल्लाह मचाया, तब जाके पड़ोसियों ने देखा तो पता चला कि उसकी डेथ 2-3 दिन पहले ही हो चुकी है। चूँकि ये सोलेमन जो था वो आदतन शराबी था और पहले भी डोम्स कंपाउंड में जा रहता था, वहाँ से भी हमने बात की और इसके पड़ोसियों से, तो उन्होंने बताया कि शराब की आदत के कारण इसको वहाँ से अपना मकान बेचना पड़ा था और यहाँ आके किराए पर रह रहा था। और इसके भाई ने बताया कि पूरे 2-3 दिन से लगातार शराब पी रहा था, इस कारण से इसकी डेथ हुई, प्रथम दृष्टया होना प्रतीत हुई। सुसाइड नोट अभी हमने घर की सर्च नहीं की, अभी बॉडी यहाँ से रवाना की है, इसके बाद में हमने इसको घर को लॉक किया, बाद में इसका सर्च करेंगे तो सुसाइड नोट मिलेगा तो बताया। नहीं, इसका भाई लगातार खाना खा रहा है, भाई इसके घर में पूरा सामान जब हमने देखा तो उसमें खाने पीने का पूरा सामान है और इसकी खामानी की कोई कमी नहीं है। बाकी ये अत्यधिक शराब पीने से ही प्रथम दृष्टया इसकी मौत होना प्रतीत होती है। ठीक है।